मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार क्लास 10th का हिंदी का फाइल बनाएं, यानी कि किस प्रकार हम एक प्रोजेक्ट फाइल हिंदी सब्जेक्ट की बना सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं एक स्टूडेंट की फाइल है ये, जिसका नाम ऋषभ है, क्लास 10th का है, सब्जेक्ट हिंदी, गवर्नमेंट स्कूल की फाइल है ये। किस तरह एक फाइल बनाई गई है देखते हैं। हिंदी में क्या क्या टॉपिक मिले थे स्टूडेंट को जो उसने फाइल कवर की है क्लास 10th में। इम्पॉर्टेंट होती है क्लास 10th में फाइल। सबसे पहले देखिए, इसने सेकंड पेज पे विज्ञापन लिखा है। मोबाइल फ़ोन वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। मोबाइल फ़ोन की दुनिया में धमाका वीवो का इसने बताया है, सब चीज़ मेंशन करी है। 5.6 डिस्प्ले, बैटरी के लिए बताया है, मेगापिक्सल कैमरा के बारे में बताया है, रैम्स के बारे में बताया है। अगले में बच्चे ने बताया है कलर विज़न टीवी बनाने वाली कंपनी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करवाना चाहती है, आप उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो उसने भी इस पे विज्ञापन बनाया, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मनोरंजन की दुनिया में क्रांति, कलर विज़न टेलीविज़न, 40 इंच का LED। उससे नेक्स्ट पेज पे हम देखें, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का मार्ग, मतलब उसका जल को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए किस प्रकार, लगभग 30 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, बच्चे ने बनाया है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य केवल 0.2% ही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है, सौजन्य से, पहरेदार संस्था। नेक्स्ट में उसने बताया, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल पर बिक रही महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं उसको खरीद कर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। सुनहरा मौका, जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसने बताया है। संदेश है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। तो संदेश लिखा है, इधर दिनांक लिखा है, इधर समय लिखा है। तो ये छोटे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करें और आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं, ऋषभ। और माँ को एक संदेश लिखे, संदेश पत्र, तो दोनों मेंशन किए गए हैं। अगला है, क्लर्क के कार्यालय से समय से पहले जाने के संदर्भ में प्रचार्य को 30 से 35 शब्दों में संदेश लिखिए। संदेश देखिए, महोदय श्रीमान, मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी छोटी बहन को बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मुझे शीघ्र घर जाना पड़ेगा। छात्रों के पंजीयन की फाइल बड़े बाबू को दे दी है। ऋषभ झा, दीपावली भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, अपने मित्र को शुभकामनाएं देते हुए 30 से 35 शब्दों में एक संदेश लिखिए। संदेश देखिए, दीप जलते रहें, मन में मन मिलते रहें, गिले शिकवे सारे दिन से निकलते रहें, सारे विश्व में शांति का प्रभाव ले आए, यह दीपों का त्यौहार खुशी की सौगात ले आए। अब बात करें औपचारिक पत्र की, अपनी शैक्षणिक व अन्य उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें छात्रवृत्ति देने का उल्लेख किया गया है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय, दयालपुर, दिल्ली। तो किस तरह भी आप कोई भी बता सकते हैं, किसी भी स्कूल के बारे में लिख सकते हैं। इस बच्चे ने मेंशन वहाँ के लिए किया है, पूरा निवेदन किया है और अच्छी तरीके से छात्रवृत्ति के लिए इसने प्रार्थना करी है। अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखे, प्रिय मित्र यश मधुर स्ने, आशा है कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे और मैं अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त हूँ, तो दोस्त यश, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन में यह पत्र लिख रहा हूँ। तो उसे आमंत्रित कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से फाइल बनाई है।
अगला है, आप वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए हैं, इसके लिए आपके मामा ने पुरस्कार के रूप में टैबलेट भेजा है, उसी का धन्यवाद प्रकट करते हुए पत्र लिखें। आशा है कि आप सब लोग वहाँ पर कुशल मंगल होंगे। मामा जी, आज दोपहर ही आपका भेजा हुआ उपहार मिला। जब मैंने उपहार को खोलकर देखा तो उपहार के रूप में मनपसंद टैबलेट देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो इस तरह से बच्चे ने बहुत अच्छी तरह बताया कि उसे जो उपहार मिला मामा जी की तरफ से। आपकी SA2 की परीक्षा है, मतलब जो STEM 2 की परीक्षाएं अगले महीने से हैं, परंतु अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। पाठ पूरा ना होने के कारणों का उल्लेख करते हुए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। तो ऊपर आप जानते हैं, मेंशन कर सकते हैं, संविनय निवेदन ये है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं का छात्र हूँ, हमारे SA2 की परीक्षाएं अगले माह में होनी है, परंतु अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। इसके कारण है अंग्रेजी और गणित विषयों के माध्यमों का अवकाश पर रहना, और ऐसे में बिना अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाए पाठ समय पर पूरा होना असंभव है। तो ये मेंशन किया हुआ है बच्चे ने। आगे है अनुच्छेद लेखन, मोबाइल फोन सुखद व दुखद, विज्ञान की अद्भुत खोज, फोनों की बदलती दुनिया, सर्वसुलभ साधन, लाभ और हानियां, सब मेंशन करी हुई है इसने बच्चे ने, देख सकते हैं। अगला है शहरी जीवन में बढ़ता प्रदूषण, शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, विविध प्रकार के प्रदूषण, प्रदूषण को रोकने के उपाय, सब इसने बताया है। सबसे प्यारा देश हमारा, इस पर भी इसने मेंशन किया है, बताया है। भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, विविधता में एकता की भावना, अत्यंत प्राचीन संस्कृति, ये सब भारत के बारे में इसने बताया है। तो इस प्रकार ये पूरी फाइल जो इस स्टूडेंट ने बनाई थी वो मैंने आपको दिखाई। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।